दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल शेयर में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको जो है कौन कौन सी पेंशन योजना है और कौन सी पेंशन योजना आपके लिए सही है और कौन सी पेंशन योजना आपके लिए नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के अंदर लोग रहते हैं और जो उत्तर प्रदेश सरकार से पेंशन पाना चाहते हैं, उनके लिए मैं पहले से ही एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने आपको बता दिया था इस वेबसाइट के बारे में और यहाँ पर जो जो पेंशन योजना चल रही हैं उन सभी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला, दिव्यांग, कुष्ठावस्था, ये तीन पेंशन उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है अभी, जो अपने पोर्टल के माध्यम से यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं ये। इसमें सबसे पहले वृद्धावस्था पेंशन पर हम जो है क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आज सबसे पहले इसमें बात करूँगा वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में। तो अभी हम जो है इस साइट को लोड होने देते हैं और तब तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक ये लोड होती है। तो यहाँ पर ये देखिए, ओल्ड एज पेंशन स्कीम। तो जो ये पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन योजना के विषय में थोड़ा सा हम यहाँ से जान लेते हैं कि आखिर क्या जो है ये योजना है। ये देखिए दोस्तों, वृद्धावस्था पेंशन योजना के विषय में यहाँ पर जानकारी दी गई है। ऐसे आवेदक यानी जो एप्लीकेशन डालेंगे, जो लोग इस योजना में शामिल होना चाहते हैं, इस पेंशन योजना के तहत जो है पेंशन पाना चाहते हैं, ऐसे आवेदक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो तथा जो गरीबी रेखा के नीचे हो, यानी यहाँ पर ये कहा गया है कि आवेदक जिस व्यक्ति को पेंशन पानी है उसकी उम्र कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए या फिर उससे ऊपर होनी चाहिए। इसके साथ ही यह भी शर्त है कि वह गरीबी रेखा के नीचे हो, यानी उनकी जो वार्षिक आय है वो 56,460 रुपये रखी गई है। शहरी क्षेत्र में अगर आप, वह व्यक्ति शहरी क्षेत्र में रहता है और उसकी आमदनी 56,460 रुपये है, या फिर ग्रामीण क्षेत्र में है तो रुपये 46,080 तक हो, इससे ज़्यादा आमदनी नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आमदनी होती है तो फिर आप इस पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं। इसके साथ ही योजना अंतर्गत पात्रता की श्रेणी में आते हैं, 46,000 रुपये तक हो, योजना के अंतर्गत पात्रता की श्रेणी में आते हों, यानी इस पात्रता में को पूरा करता हो वह व्यक्ति जो इस पेंशन योजना में शामिल होना चाहता है। इसके साथ ही योजना अंतर्गत 60 वर्ष से 79 वर्ष तक के पात्र आवेदक को रुपये 500, जिसमें कि 300 राज्य सरकार देती है, 200 रुपये केंद्र सरकार देती है, कुल 500 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। इसी तरीके से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति है और पात्र आवेदक है तो उसे 500 रुपये दिया जाता है, जो कि 100% केंद्रांश होता है, प्रतिमाह पेंशन धनराशि दी जाती है 500 रुपये। और आवेदक द्वारा HTTP और SSPYUP.gov.in वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किए जाने की व्यवस्था है। ये अब आवेदन आप किसी और से भी करा सकते हैं, साइबर कैफ़े से भी भरवा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो यानी वृद्ध है, तो उस वृद्ध को इसकी इस पेंशन योजना का लाभ दिलवाया जा सकता है। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आवेदन हेतु आवेदक की रंगीन पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होनी चाहिए, जन्मतिथि या फिर जन्मतिथि प्रमाण पत्र होना चाहिए, आयु प्रमाण पत्र जिसे कि हम बोलते हैं, इसी तरीके से पहचान प्रमाण पत्र यानी जो वोटर आईडी, राशन कार्ड, आधार कार्ड होता है, इनमें से कम एक या दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, जैसे आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी आजकल सबका होता है तो ये दो चीज़ काफ़ी है, राशन कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही बैंक पासबुक होनी चाहिए जिसमें कि पेमेंट आता है, बैंक पासबुक की छाया प्रति आपको लगा देनी है। आय प्रमाण पत्र भरना अनिवार्य है, अगर आय प्रमाण पत्र नहीं है तो आय प्रमाण पत्र आपको तहसील स्तर से बनवाना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आपको ये पेंशन मिलना मुश्किल है। इसके साथ ही आवेदक द्वारा भरे गए फॉर्म में आवेदक की फ़ोटो साइज, फ़ोटो का जो साइज़ है वो 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तथा अपलोड किए गए प्रपत्र PDF में 500 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाए जाने के उद्देश्य से योजना के अंतर्गत आच्छादित लाभार्थियों का सत्यापन प्रत्येक वर्ष में मई एवं जून में कराया जाता है। सत्यापनों उपरांत चिन्हित मृतक एवं अपात्र पेंशनरों को पेंशन सूची से हटाकर उनके स्थान पर नए लाभार्थियों का चयन किया जाता है। तो ये सब इस योजना की शर्तें हैं। अब हम इस योजना के विषय में जान चुके हैं, अब हम आवेदन का प्रारूप जो है उसे देख लेते हैं एक बार। जो आवेदन का प्रारूप है ये यहाँ पर दिया गया है, इसमें आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी मैं आपको जूम करके यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मैं अपनी एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ जिसमें आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया भी है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई बटन में ही मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, जहाँ पर मैंने ऑनलाइन यह भी बताया है कि किस तरीके से आप जो है ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं, उसके बारे में मैंने विस्तार से जानकारी दी है,
वहाँ पर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप खुद से ही मोबाइल से भी इस चीज़ को भर सकते हैं। हालांकि इस स्कैन करने में आपको दिक्कत आएगी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो उसके लिए प्रिंटर की आवश्यकता होगी। अगर आपके घर में प्रिंटर है तो प्रिंट कर सकते हैं, बाद में मोबाइल से डाटा अपलोड करके भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ ही आप किसी साइबर कैफ़े से भी इस फॉर्म को भरवा सकते हैं, जहाँ पर आपके मुश्किल से 10 से 30 रुपए के बीच में ये काम हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई फीस वीस लगनी नहीं है, बिल्कुल जीरो फीस पर भरा जाएगा। इसमें कोई किसी भी तरीके की आवेदन फीस नहीं लगनी है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम फॉर्म में लगती है, तो आपको इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। तो अब हम इसे कर देते हैं बंद, इसकी वीडियो आप अलग से देख लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन किस तरीके से करना है वो भी मैं बता चुका हूँ, पहले ही अपनी वीडियो में देख लीजिएगा आप लोग। आवेदन, आवेदक का लॉगिन यहाँ पर दिया गया है, आवेदक का लॉगिन कैसे करना है ये आप देख लीजिए। यहाँ पर क्या करना है, आपको पेंशन स्कीम सेलेक्ट करनी है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ओल्ड एज पेंशन की, तो यहाँ पर ओल्ड एज पेंशन सेलेक्ट करना है। अपना रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर यहाँ पर डाल देना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है, सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। जो ओटीपी मोबाइल पर आएगा और या ईमेल आईडी पर, उसे यहाँ पर आपको डालना है। ये जो सामने कोड दिख रहा है 53242, इसको यहाँ पर डाल देना। अगर ये नहीं दिखाई देता तो है तो इसे रिफ्रेश कर देना, तो दूसरा आ जाएगा 96623, इसे यहाँ पर डालना है, फिर लॉगिन कर देना है। ठीक है, ये तो हो गई लॉगिन की बात। अब इसके बाद बात आती है पात्रता की, यानी जो ये योजना है वृद्धावस्था पेंशन योजना, इसके लिए पात्रता की शर्तें क्या है तो देख लीजिए। वृद्धावस्था की जो आयु है, न्यूनतम वृद्धावस्था पेंशन योजना की जो पात्रता की जो शर्तें हैं, उसमें कम से कम 60 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ। आय जो है आपकी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो 40,080 रुपये तक होनी चाहिए, और शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो 56,460 रुपये से ज़्यादा आपकी आमदनी नहीं होनी चाहिए। पेंशन, यदि आवेदक अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है तो पात्र नहीं है। यदि आप किसी अन्य राज्य में किसी भी पेंशन योजना से या फिर केंद्र सरकार की किसी भी पेंशन योजना से लाभान्वित हैं, जिसमें आपको कमाई होती है या फिर आपको वहां से कुछ भत्ता वत्ता आदि मिलता है, तो आप इस योजना में पात्र नहीं होंगे, यह भी इसकी शर्त है। और मासिक अनुदान की जो धनराशि है वो 500 रुपये है, यानी आपको हर महीने सरकार की तरफ से 500 रुपये दिए जाएंगे इस योजना में शामिल होने के बाद। यानी जो ये जो पेंशन योजना है, तो इसमें आपको 500 रुपये महीना की पेंशन मिलेगी। जो प्रपत्र यानी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने, जो कागज़ आपको अपलोड करने, वो है आवेदक का पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना है, आवेदक का आय प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से अपलोड करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन जरूर दबा लें, ताकि हमारी नई वीडियो में आपको जो हमारी नई वीडियो आएंगी उसके बारे में आपको समय रहते पता चल सके और आप देख सकें। किसी भी तरीके की जो भी समस्या अगर आपको आती है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर हम आपका 1 से 2 घंटे में जवाब दे देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएँ। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।